कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? ए पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ओए जट्टा सिंह जी, मेरे आदमी खाम का ही डर रहे हैं कि आज प्रेस नहीं आई। ओ जी मानते हैं कि प्रेस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है सच्चाई। ओ जी कहते हैं कि आंधियां भी मुंह मोड़ लेती हैं, बस सच का एक चिराग चला के तो देखो यार। बंद करो मुसायरा बाजी, नहीं तो तुम्हारा दतिया तोड़ के छतिया में घुसर देंगे। हाँ चाहता का है तू? ओ जी भलाई भलाई। अजी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, तो हमारा भी देश के लिए कोई फर्ज बनता है ना। तो सिंह साहब ने इस चिरौंजी गांव से एक छोटा सा मूवमेंट शुरू किया है, पीपल्स बीट। ओ लगता है ये समझे नहीं। अजी मैं समझाता हूँ, जैसे इस छोटी सी बजरिया के दुकानदारों ने एक कमेटी बनाई है पीपल्स बीट, हम ऐसी ही कमेटियां हर गांव हर शहर देश के हर मोहल्ले हर बाजार में खोल देंगे, और फिर वहां के लोग देखेंगे कि उनके इलाके में कोई गलत काम ना हो, बस लो हो गई सफाई। और जी देखो जी, जैसे इन दुकानदारों ने अपने गोडाउनों में से मिलावटी सामान इकट्ठा कर उसका ढेर यहाँ लगा दिया है, आप भी अपने गोडाउनों में से मिलावटी गेहूं चावल केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा निकालिए और उसका ढेर लगा दीजिए यहाँ पर, और फिर मिलकर जलाएंगे होली। अबे बाप का माल समझा है का? ससरे पहले तू बता के तू है का? कलेक्टर है नेता है के गुंडा है? मैंगो पीपल आम आदमी। और जी मैंगो तुसी समझ दे ना, जरा थोड़ा खट्टा थोड़ा जा मीठा होंदा, और पीपल जिसके ऊपर भूत रहंदा। और जी आम आदमी दे अंदर भी भूत रहंदा है, उसे बाहर मत आने दो, बाहर आ गया ना तो स्यापा पै जाएगा। रे बाके चट्टा सिंह जी, आज नॉन वायलेंस डे है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, इसलिए आज हिंसा ना हो तो अच्छा है। आप लोग भी अपने हथियार रख दीजिए और फिर चलते हैं, गोडाउन के ताले खोलते हैं। भैया जी ले जा अपना छर्रा को, नहीं तो तेरा इतना छीछड़ा करेंगे कि ना खाल रहेगा ना शरीर, समझा? ओए पासी के गांव में यूरिया से मिला हुआ दूध पीकर कुछ बच्चे मर गए। इस इलाके में यूरिया दूध का सबसे बड़ा व्यापारी तू है। झूठ 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 बोलता है, बरगला रहा है, मारो साले को। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, पापियों से विनती करो, समझाओ, अगर वो फिर भी ना माने तो सबकी भलाई के लिए तलवार उठा लो, लेकिन तुम सबके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। अच्छी देसी आदमी हूं मैं, देसी स्कूल में पढ़ा हूं, और ये देसी हाथ है। जब ये हाथ किसी पर देसी तरीके से पड़ता है ना, तो आदमी गेंद की तरह बाउंड्री से नहीं स्टेडियम से बाहर चला जाता। होम दसो किनु बाउंड्री है, स्टेडियम तो बाहर जाना है। आओ
और जी साडे विच गांधी भी है, पटेल भी है, ते थोड़ा भगत सिंह भी है। क्या दोस्त है आपका, क्या बात बोला, क्या बात। ओए मुरली मेरे को बता, अच्छा हुआ जो आपने लोगों को रोक दिया। अगर आज ये चक्र चल जाता तो महाभारत यही हो जाता। सभी लोग नहीं गए? हाँ, अश्विनी भी वीर जी के साथ वहीं गए हैं। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। चल बरम, उस कमरे में
सबके सब उस कमरे में। अरे चलो अरे चलो, बोल रही है तुम बंद करो ना, अंदर अंदर चलो। हाँ मैडम बंद कर लीजिए, की लगा लीजिए। शिखा जी, शिखा जी फोन लगाओ। हाँ, ओह माय गॉड, शायद हमारा फोन वहीं रह गया। सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या हुआ? शिट, ये हाँ? लगता है डीजल खत्म हो गया। क्या? अब क्या होगा? अरे, हम ऋषि को कैसे बताएं कि हम यहाँ पर हैं? मम्मा, कहाँ जाएं? शिट, हमारा मोबाइल भी ना। मेरी मिन्नी के साथ जो हुआ सो हुआ, अगर मेरी बहन या उसके बेटे पर थोड़ी सी भी आ जाए ना, तो मैं तेरी बेटी को फेंक दूंगा। नहीं, 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 हम रिहा करते हैं, हम रिहा करते हैं, बस हमरा बिटिया को छोड़ दो, ऐसे तनवा छोड़। Yeah!
तुहार भाऊजी के पास। अरे हम ही तो उसे भेजे थे ऊपर चेहर देके। चाहता है ना तू? सम्मान पाने के लिए जी रहा है तू? सम्मान ताकि कल मर के अपने जोरों से नजरे मिलाए, अपना सम्मान से उठा हुआ सर दिखाने के लिए यही चाहता होगा ना तू? ई नहीं होने देंगे। तुमने हमरा बिट्टी को हाथ लगाया, सम्मान से उठा हुआ ये सर काट देंगे हम। फिर तड़प 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 कमरेगा सालो। सरदार, रखवाला समझते हैं ना अपने आप को बेसहारों का, आज बताएंगे तुमरा औकात का है। पग पग ससुरे सरदार, इज्जत होता है ना तुमरी पग, आज पांव के नीचे होगा ये पग। सरदारी, जिसने ऊंच नीच का फर्क मिटाया, गुरु नानक देव जी, जिसने धर्म के लिए अपना परिवार वार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी, सरदार 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 सरदार।
जो देश के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, शहीद भगत सिंह सरदार। सरदार जब दुश्मन को पकड़ लेता है ना, तो उसकी हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं। तड़तड़ा रही है ना, तड़तड़